मुंबई के एक रेड लाइट एरिया पर पड़ी रेड में पुलिस ने कल रात कुछ लड़कियों को बचाया। आप देख सकते हैं ये वही महिला है जिसके साथ उसका परिवार खड़ा है। मैम आप बताइए कि आप इस रेड लाइट एरिया में कैसे आए, आपके साथ क्या जाती हुई? रामी रखी, कुछ भी बोलते हैं लोग, एक बार इज्जत की थच्चियां उड़ गई ना फिर चाहे जितनी छाती पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी जी, अब बुजुर्ग नहीं होती ना तो मैं तपस्या की नानी नहीं होती। मैं औरतों से बदतमीजी नहीं करता ना, ये उसूल बचा लेता है इन्हें हमेशा। आप समझा लीजिए इन्हें, मैं जा रहा हूं वरना मैं कुछ कह दूंगा इन्हें, कुछ होगा मुझे बता दीजिएगा। और मुझे चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूं। गुस्सा तो सर पर ही चढ़ा रहता है बिना बात की, बाकी तो रामी राखी कुछ नहीं हुआ। अम्मो अब इतनी चिंता मत कीजिए, इनका तो काम ही है इस तरह से दिखाना। जिसने जख्म देना था वो तो दे गया, मीठी मेरी नातिन है, मेरा खून है, मेरे ही परिवार वाले अगर उस पर संदेह कर रहे हैं तो क्या उसके ससुराल वालों के मन में उसके प्रति संदेह नहीं आएगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो हम जाकर मिलाएंगे मीठी से, आपको तसल्ली हो जाएगी। अब हमने तो जाकर कह नहीं दिया था ये चैनल वालों को कि जाओ दामिनी की नातिन को बदनाम करो। नुक्ता कॉफी। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, पता नहीं आपका शुक्रिया अदा कैसे करेंगे। क्योंकि मुक्ता तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। और आकाशचार्य अच्छा ओह गॉड मैं तो भूल ही गया, आज कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग है मेरी, मुझे जाना पड़ेगा। आप तो सर कॉफी तो पी लीजिए। या सर आराम से, बहुत गर्म है। बाय बेटा, टेक केयर, बाय। युवान सर इतनी जल्दी में? एक्सक्यूज मी, वो मिस्टर विष्णु कश्यप कहाँ पे है? यहाँ से मैम राइट लेंगे, आगे आईसीयू। ओके थैंक यू। पता नहीं मुक्ता किस हाल में होके, बेटा संभाल के लग जाएगा आपको। आप ऐसे हॉस्पिटल में भागदौड़ क्यों कर रहे हो? तो मम्मी पापा कहाँ हैं?
आकाश तुम जाओ, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। चल। Excuse me. वो आपका बेटा बाहर भाग दौड़ कर रहा है, कहीं उसे लग ना जाए, उसका ध्यान रखिए प्लीज। जी। थैंक यू। गुड बाय। अच्छा खासा मुक्ता के साथ अकेला था, आ गई मिलने अपने पति को लेकर। मीठी और आकाश, ये दो लोग इस वक्त सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि आकाश जानता है मैं युवराज हूं, मीठी तो बहन होकर भी दुश्मन ही है। ये दोनों कहीं मुझ पर शक न कर बैठे, वरना मजबूर होकर मुझे मेरी बहन मीठी का कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। कैसी है मुक्ता? मीठी बस आई रही, वो दरअसल एक बच्चा कॉरिडोर में घूम रहा था तो कैसी हो मुक्ता? I'm so sorry, तुम इतनी बड़ी मुसीबत में थी और हम दोनों तुमसे मिलने नहीं आ पाए। तुम खुद इतनी बड़ी मुसीबत में थी, कैसे आती तुम? विष्णु की तबीयत अब कैसी है? ICU में। इस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मीठिया में माफ करना, पर हम आकाश को कभी माफ नहीं कर सकते। आज अगर विष्णु इस हाल में, तो सिर्फ आकाश की वजह से। मैं जानती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी मुक्ता, लेकिन मुक्ता ये सच है कि आकाश को गलत फहमी हुई थी कि विष्णु कच्ची दीदी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये भी सच है मुक्ता कि अगर मुक्ता को लगता है कि मैं उसका दोषी हूँ तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगेगा। ये रिपोर्ट, मैं बाहर वेटिंग एरिया में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखना मुक्ता। सॉरी मीठी, पर वो आई अंडरस्टैंड मुक्ता, लेकिन हम चारों के रिश्ते की नींव इतनी भी कमजोर नहीं है कि वो टूट जाए। मैं मानती हूँ हम चारों के बीच में गलत फहमियां हुई है, लेकिन सच बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और हम चारों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा, ये मेरा भरोसा है। By the way, ये
ये विष्णु के रिपोर्ट से काना भैया ने मुझे दिए थे। काना भैया ने बताया था हमें, डॉक्टर ने बताया कि विष्णु के सर पे गोली लगने की वजह से उन्हें बीच बीच में मेमोरी लॉस होता है, उसी कारण नीचे हो सकता है ऐसा ही हो। पर इस वक्त अगर विष्णु इस हाल में है, कोमा में है, तो सिर्फ आकाश की वजह से, क्योंकि आकाश ने जो वार विष्णु के सर पे किया था वो बहुत खतरनाक था। वो तो अच्छा हुआ कि युवान सर को विष्णु मिल गए और उन्होंने इस हॉस्पिटल में लाकर विष्णु को एडमिट किया। युवान ने विष्णु को ढूंढा और वो युवान ही है जिसको विष्णु की दिमागी हालत के बारे में पता था। जहां आकाश और विष्णु का झगड़ा हुआ था वहां पे कोई तो था जिसने उन दोनों की तस्वीरें खींची। कहीं युवान